हाँ तो गाइज़ हम लोग घूमने हैं भोनखाल विलेज। ये भोनखाल विलेज का रास्ता है काट की नाव का। तो देखिए नज़ारे दिखाते हैं हम आपको यहाँ के, कितने लाजवाब व्यू है। तो बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। आप लोग जब भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आए तो इस पॉइंट को मत मिस करना, बहुत ही लाजवाब पॉइंट है, बहुत गजब व्यू है और बहुत खूबसूरत जगह है काट की नाव भोनखाल विलेज। तो एक बार जाना घूमकर ज़रूर इस जगह। देखिए नज़ारे देखिए दोस्तों, कितनी गहरी हाइट है। यहाँ से देखिए वो सामने रिवर दिख रही है उधर, कैसी लगी जगह? बहुत शांत एकदम, क्राउड नहीं है, कुछ नहीं है, सोर्स नहीं है, हवा का भी साउंड आ रहा है हल्का सा, पत्ता गिरेगा उसका भी आवाज आएगा। लाजवाब जगह है। मैं बायनोकुलर नहीं रहा, दूरबीन लिया था ना तो और अच्छा रहता। ऐसे पॉइंटों पे बैठ के बायनोकुलर लेके बैठ जाओ। सब लोग इधर खड़े हुए हैं, मैं पिक्चर लूंगा ये। आ जाओ सब लोग इधर आओ। हाँ ओके ऐसे ही, हाँ ठीक है ओके। कलर ज्यादा नहीं है ना इसलिए कम दिख रहा है। कलर मेरे भाई में तो नहीं आ रहा। I'm
बैठ गया ये अपना खाना ले ठीक है। हिलाओ मत अब, हिलाओ मत अब, बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो। निकलेगा ना दोबारा अगर डिस्टर्ब हो गया तो। छोटे भी आगे गए आगे वो खड़ी है दूसरी गाड़ी आपके वो भी फॉरेस्ट ही है, बाहर का फॉरेस्ट जो नहीं है, तराई का, तराई का जंगल है वो, तराई का, तराई में आता है नहीं, वो कॉर्बेट में नहीं आता, लेकिन वो तराई का जंगल है, जंगल सब सेम है हमारे लिए, उसके नाम रख दिया गया कॉर्बेट का पार्ट है, वो तराई का जंगल है। हाँ हाँ नहीं नहीं क्रॉस करेंगे, देखनी है तो हम रुकेंगे क्रॉसिंग।